हमला राजनीति वाला ममता ने करा डाला, हमला ने ले ली सबकी जान, हार न तोरे कुर्बान, दुनिया है तोरे पीछे लेकिन मैं तोरे पीछे, अपना बना लो मोरी जान, हार न तोरे भैया राम राम। हमें बुंदेली चुगली से नीले जो देश दुनिया में लोकप्रिय होता न्यूज चैनल बुंदेली चुगली रखे तुम्हारे खबर ही वेरा की भैया पश्चिम बंगाल से है, जहां पे जेपी नड्डा और ममता के क्षेत्र में कर रहे गड्ढा और इसे परेशान है ममता और यही से बाल लगी है। खैर देखो ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की पार्टी है तृणमूल कांग्रेस और उनके कार्यकर्ता ने पुलिस की मौजूदगी में एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष पे हमला करो और हमला करो तो भाजपा वाले तो आग बबूला हो गए और नड्डा जी भी होते गड्ढा खोद के बैठ गए, अब हमें नहीं जाने, अब तो हम आग पार करके जे हैं। हमला के बाद मछुआ सम्मेलन के संबोधित करो उसके बाद में होते के मीडिया से भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करी। सुन ले नड्डा जी क्या कह रहे हैं। सुंदर भाषा, बंगाल की सबसे अच्छी संस्कृति, बंगाल की महान संस्कृति, बंगाल सर्वाधिक मृदु भाषा है और ममता जी प्रधानमंत्री जी के लिए भी जिस शब्दावली का प्रयोग करती हैं वह बताता है कि ममता जी ने बंगाल को कितने नीचे ले गई। इट स्पीक्स वॉल्यूम्स। और दुख होता है, बंगाल हम सबका है, बंगाल हमार सोनमार बंगाल, बंगाल के लिए हम सब लोग गौरवान्वित होते रहे, देश गौरवान्वित करता रहा, आजादी की लड़ाई हो या सांस्कृतिक लड़ाई हो या रिलीजियस रिवाइवलिज्म हो, कोई भी हो, उसकी शुरुआत की जन्मस्थली बंगाल रही है। लेकिन आज जिस ममता जी ने बंगाल को जिस लो लेवल पर ले आकर के खड़ा किया है यह सच में बहुत ही चिंताजनक बात है और मैं मानता हूं कि आने वाले समय में चुनाव में लोग ममता जी को नमस्कार कहने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, 200 सीटों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत करके आएगी, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पॉलिटिकल वायलेंस और डेथ ऑफ डेमोक्रेसी हो चुकी है, मैं कहने के लिए नहीं कह रहा, वी हैव लॉस्ट 130 बीजेपी वर्कर्स, 100 का तर्पण यानी उनके अंतिम संस्कार में और उसके बाद की पूजा मैंने खुद कलकत्ता में आकर के की है, 100 के परिवार, और ये कोई मैं दिखाने के लिए नहीं कह रहा हूं, इन कैमरा मैंने तर्पण किया है, सारे परिवार के सदस्य वहां उपस्थित थे, सभी परिवारों के लोगों से मैं मिला हूं, जिन हालातों में उनका मर्डर हुआ, पॉलिटिकल मर्डर हुआ, इसको बंगाल की जनता कभी माफ नहीं करने वाली और बंगाल की जनता को तय करना है कि क्या ऐसी सरकार और ऐसी संस्कृति को यहां पर जगह देना है। जब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स सेफ नहीं है तो कॉमन मैन का क्या हाल होता होगा, व्हाट विल बी द प्लाइट ऑफ द कॉमन मैन, आम आदमी की क्या स्थिति होगी, लॉलेसनेस अराजकता चरम सीमा पर है, एडमिनिस्ट्रेशन मैंने पहले कहा कोलैप्स कर चुका है, हमारे एमएलए देवेंद्र नाथ रे, बप्पी घोष, पूरन चंद्र दास, गौतम पात्र, सुदर्शन परमाणिक, शेख लियाकत, गणेश रॉय, शंभारू बर्मन, दीपक मंडल, मनीष शुक्ला, ये सब पिछले 2 महीने में इनका मर्डर हुआ है, इन द पास्ट 2 मंथ्स, मैंने सिर्फ आपके सामने 7-8 नाम गिनाए, ऐसी संख्या और श्रृंखला 130 की, ये बंगाल की सभ्यता और राजनीतिक सभ्यता की का सूचक है क्या, ये ममता जी के राजनीतिक कार्य करने का तरीका है क्या, बंगाल की जनता को तय करना पड़ेगा और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि ऐसी सरकार को लॉक स्टॉक एंड बैरल इनको विदा करना चाहिए और ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी के उसमें बनानी चाहिए जिसमें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर के चले। जब हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो कट मनी इज द ऑर्डर ऑफ द डे, कट मनी जीवन का तरीका हो गया है वेस्ट बंगाल में और टोलाबाजी
और सिंडिकेट, और सिंडिकेट में भी बालू सिंडिकेट और कोयला सिंडिकेट, ये जिसको बोलते हैं कि यहां लूट हो रही है, लूट, और राजनीतिक संरक्षण में हो रही है, ममता जी के द्वारा डायरेक्टली संरक्षण में हो रही है। तो इसलिए टोलाबाजी भी हो रही है, कटमनी भी हो रहा है, सिंडिकेट भी हो रहा है, कोयला और बालू पर सिंडिकेट चल रहा है। और तो और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि कटमनी और पैसे और रिश्वत अंतिम संस्कार पर भी देना पड़ रहा है बंगाल में। दिस इज द सिचुएशन। मेरी बात किसी को लगती हो तो चैलेंज कर देना, लेकिन अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे और घूस और उसके लिए भी ब्राइब चल रहा है, वो हमको समझना चाहिए। ममता जी क्या कहती हैं, 75% बीजेपी 75% टीएमसी को कटमनी दो, 25% अपने आप रख लो और लोगों की छुट्टी कर दो। ये संस्कार है, ये बातचीत। उसी तरीके से अभी कहा गया कि ममता जी द्वारे द्वारे, पहले ममता जी वारे न्यारे, अब द्वारे द्वारे, और चुनाव के बाद फिर वारे न्यारे। लेकिन बंगाल की जनता अब छोड़ने वाली नहीं है, द्वारे द्वारे घूमो चाहे जैसे घूमो, आपको बंगाल की जनता छुट्टी देने वाली है, जमीन आपकी खिसक चुकी है, यह हम आपको बताना चाहते हैं। कोविड का ट्रेजेडी हुई, मोदी जी इज नोन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कोविड मैनेजमेंट एंड ममता इज नोन फॉर मिसमैनेजमेंट ऑफ कोविड। कोई मैनेजमेंट नहीं, आपने देखा टेलीविजन पर, आपने दिखाया किस तरीके से हॉस्पिटल्स में डेथ रिपोर्ट नहीं हो रही थी, केसेस रिपोर्ट नहीं हो रहे थे, सेंट्रल टीम को कलकत्ता के हॉस्पिटल में घूमने नहीं दिया गया। और उसके साथ साथ आपको पता है राशन में चोरी, आपको पता है कि किस तरीके से उस समय अम्फान में भ्रष्टाचार किया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या कहा, कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि आप सीएजी से इसका ऑडिट कराओ, और इस ऑडिट के खिलाफ ममता जी सुप्रीम कोर्ट में गई। एक तो भय कहनो, इतना भय क्यों है आपको, क्यों आपको इतना डर लग रहा है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस राधाकृष्णन कहते हैं गेट इट ऑडिटेड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये पब्लिक मनी है और 1000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ने एडवांस दिया, 1200 करोड़ रुपए बाद में दिया गया, लेकिन कोई हिसाब किताब नहीं, और जो पैसे मिले वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं के अकाउंट में मिले। अब ऐ तो भय कहनो, सुप्रीम कोर्ट में जाने, सुप्रीम कोर्ट में जाने का मतलब है यू आर हैंड इन ग्लव विद कमीशन एंड करप्शन, आप पोषक हैं करप्शन के, आपके द्वारा करप्शन हुआ है और आपके पालन पोषण में करप्शन बढ़ा है, इस कारण से आप सुप्रीम कोर्ट में गई हैं। नहीं तो आपको कहना चाहिए था दूध का दूध पानी का पानी होगा, और प्रशासन में प्रशासक जो होता है उसको ही शुड नॉट ओनली बी ऑनेस्ट, ही शुड लुक टू बी ऑनेस्ट। हियर ममता जी लुक्स टू बी डिसऑनेस्ट एंड इज डिसऑनेस्ट, दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से। दी एक्टिविटीज शो, ये बताती हैं कि किस तरीके का हालचाल बना करके रखा है। टीएमसी की सरकार, चाल चोर सरकार, त्रिपाल चोर सरकार, राशन चोर सरकार, ये टीएमसी की सरकार के सिनोनिम्स हैं, ये सरकार के पर्यायवाची शब्द है। चौल चोर, त्रिपाल चोर, राशन चोर, क्या हाल बना करके रखा है। और पहले क्या कहती थी, मां माटी मानुष, और आजकल क्या कहती हैं, तानाशाही तुष्टीकरण और टोलाबाजी, ये आज की स्थिति बन गई है। मित्रों, हमारा बड़ा स्पष्ट कहना है कि ऐसी सरकार, मैंने पहले कहा, अभी आपको पता है फार्मर्स के विषय पर प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 10 करोड़ लोगों को 2000 रुपए और 6000 रुपए साल का 3 किस्त में देने का तय किया। अप्रोक्सीमेटली 70 लाख किसान बंगाल के इससे वंचित हैं, 70 लाख लोग वंचित हैं, उनको यह पैसा नहीं मिल रहा है। और ममता जी क्या कहती हैं, ये सीधे हमको दो। और मोदी जी और हमारा क्या कहना है कि यह सीधे किसान के खाते में जाएगा, उसके अकाउंट में जाएगा। और ममता जी कहती है आमा के दिए दाओ, आमा के दिए दाओ, कटमनी कटमनी कटमनी, ये कटमनी का तरीका है जिसको हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से आयुष्मान भारत, लगभग 4 करोड़ 67 लाख पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ 5 लाख हेल्थ कवरेज पर ईयर पर फैमिली, 5 लाख पर ईयर पर फैमिली।
एंड कितने लोग, 4,67,00,000। आज 1,31,00,000 पीपल हैव टेकन द बेनिफिट ऑल इंडिया बाय। 15,500 crores हैव बीन स्पेंट फॉर, खर्च हो चुके हैं गंभीर बीमारियों के लिए। लेकिन बंगाल के गरीब लोग, और कौन आते हैं इसमें, रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, टैक्सी वाला, मेड सर्वेंट जो घर में काम करती है, जो घर में काम करने वाले हैं, जो चौल में काम करने वाले हैं, ऐसे गरीब लोग जो पल्लेदार हैं, जो अनाज की बोरियां उठाते हैं सब्जी मंडी में, उनके लिए बाय प्रोफेशन है, ये कास्ट से नहीं है, बाय प्रोफेशन 12,74,00,000 परिवार, 55 crore people को ये 5,00,000 रुपए का फैमिली का पर ईयर का बेनिफिट है हेल्थ में, गंभीर बीमारियों के लिए, 2,000 से ज्यादा गंभीर बीमारियों के लिए। लेकिन यहां होबे ना, होबे ना, होबे ना, होबे जरूर होबे, मार्च महीने के बाद, मई महीने के बाद होगा, बीजेपी की सरकार आएगी उसके बाद होबे। तो ये बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इसके साथ साथ अगर मैं बिहार के अभी चुनाव की बात कहूं तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। अभी चाहे बिहार का चुनाव हुआ, चाहे कर्नाटक का चुनाव हुआ, चाहे दुबाका का धमाका हुआ, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, और चाहे मैंने बताया मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ, सभी जगह परिवार की पार्टियों को लोगों ने नकार दिया है और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया है। और यही हाल बंगाल में भी होगा, यहां भी पारिवारिक पार्टी को लोग नमस्ते कहेंगे और डेवलपमेंट के लिए मोदी जी के साथ डबल इंजन की सरकार को सपोर्ट करेंगे। आज जो घटना घटी है वह ममता जी के फ्रस्ट्रेशन की, बौखलाहट की कहानी है। उनको दिख गया है कि जमीन खिसक चुकी है, और जिस शब्दों का वो प्रयोग कर रही है, जिस शब्दावली का प्रयोग कर रही है, मुझे वो शब्द रिपीट करने में भी शर्म आती है। एक बंगाल के चीफ मिनिस्टर, उनको शायद मालूम नहीं है कि इस पद की गरिमा क्या होती है, इसकी गरिमा को कैसे संभाल के रखा जाता है। और ये बंगाल, जैसे मैंने कहा, कैसा बंगाल बनाना चाहते हो, ममता जी का बंगाल बनाना चाहते हो या रविंद्रनाथ टैगोर का बंगाल बनाना चाहते हो, श्री अरविंदो का बंगाल बनाना चाहते हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बंगाल बनाना चाहते हो, सुभाष चंद्र बोस का बंगाल बनाना चाहते हो। मैं आपके साथ बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है, हम आने वाले समय में डबल इंजन की सरकार बनाएंगे, वेस्ट बंगाल में भी हमारी सरकार बनेगी। ये जो हरकतें आज हुई हैं, ऐसी हजार हरकतें हों, हम हर कंस्टिट्यूएंसी में जाएंगे, हर जगह अपने विचार को रखेंगे, और जो हमको समर्थन मिल रहा है, मैं अपने कार्यकर्ताओं को सलूट करना चाहता हूं, मैं उनको नमस्कार करना चाहता हूं। आपने देखना है किस तरीके से आज लगभग 50 मोटरसाइकिल गायब कर दी गई हमारे रैली से, उनको पीटा गया, उनको मोटरसाइकिल मिलनी नहीं है दोबारा, वी नो दैट, लेकिन हमारा एक एक कार्यकर्ता लड़ने को तैयार है, और उनको मालूम नहीं है ये भारत भूमि, ये बंगाल की भूमि, इसने क्रांतिकारियों को पैदा किया है, और यही क्रांतिकारी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में फिर से प्रजातंत्र को यहां बहाल करेंगे, और पूरी ताकत और शिद्दत के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। अब लोकतंत्र में भैया जा हरकत काराना मानेंगे, जेपी नड्डा साहब कह रहे हैं कि जे ममता बनर्जी ने सीएम चीफ मिनिस्टर पद की मर्यादा तो कोई पालन नहीं करो, भैया हम तो जनता के बीच जय है, ऐसे कहते हैं कि शासन प्रशासन को उम्मीद नहीं कर सकत और हम यशस्वी हो भी। और आज हम बता रहे हैं पूरे देश भर में ममता बनर्जी की पुतला फूंक जा रहा है भाजपा की तरफ से, और प्रदर्शन करो जा रहा है, विरोध प्रदर्शन, ये घटना के लेके जब बड़ी शर्मनाक घटना है ये देश के इतिहास में। अब तो आदमी चिंतन फेसबुक पर अलग अलग चीजें आदि लिख रहा, को कह रहा अगर जय हमला सोनिया गांधी पे हो तो केंद्र में सरकार होती तो कहा देश में राष्ट्रपति शासन लग जाते, और कहा इमरजेंसी हो जाती, बुद्धिजीवी गेंगे सक्रिय हो जाती, यानी कहा करती है आदि कह रहे सोशल मीडिया पर, हमें नहीं है भरोसा कांग्रेस बची कहाँ है, लेकिन कांग्रेस और भाजपा को हो लेकर ई ऐसी घटना को विरोध कांग्रेस से भी करो चाहिए, भाजपा तो कर ही नहीं का है, उनके तो नेता के मारो हमला करो, कैला विजयवर की घायल हो गए बेचारे, हाथे लग गए हाथ में खून खड़िया हो तो उनके है ना, लेकिन वे कहते हिलने नहीं है, हम तो भगड़ा उड़ा के जाए, वे कह रहे हैं हमारे जेपी नड्डा और बंगाल में खोद के जे हैं तृणमूल कांग्रेस को गड्ढा,
सो जो गड्ढापन देखा रहे भी, ताकत रहे भी, हमें तो हम ले रहे भैया बेटा जयराम जी की। मधुबन ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट लेके आए हैं भोपाल शहर के सबसे प्राइम लोकेशन कोलार रोड डी मार्ट के पास। मधुबन हाइट्स एक ऐसी भव्य आधुनिक टाउनशिप। मधुबन हाइट्स कोलार रोड पे है एक ऐसी टाउनशिप जहां से हबीबगंज स्टेशन 15 किलोमीटर की दूरी पे, मानसरोवर डेंटल कॉलेज चल के भी जा सको और डीपीएस स्कूल 5 मिनट की दूरी पे। इत पे आप खाम मिले विश्व स्तरीय सुविधा से सुसज्जित क्लब हाउस की सुविधा संगे संगे अन्य भव्य सुविधा जैसे स्विमिंग पूल, कम्युनिटी हॉल, गार्डन, एसी जिम, बच्चन के खेलवे के लाने किड्स जोन और भव्य प्रवेश गेट जहां पे आपकी सुरक्षा के लाने दी गई है 24 घंटा सीसीटीवी कैमरा से निगरानी। मधुबन हाइट्स पे आपका मिले किफायती दामन पे कॉर्नर फ्लैट, हर सुविधा, खूबसूरत बिल्डिंग की डिजाइन आपका बना दे है इको दीवानो। तो आप सभी जनन को स्वागत है मधुबन हाइट्स पे, जहां पे प्राकृतिक वातावरण सभी शासकीय अनुमति प्राप्त प्रोजेक्ट, आसान किस्तन पे भुगतान की सुविधा, बैंकन द्वारा विवरण सुविधा उपलब्ध है। तो सभी जन मनाओ एक त्योहार अपने आसियाने पे, हर सुविधा से सुसज्जित मधुबन हाइट्स की प्रोजेक्ट में आप खां बुकिंग करवे पे मिले मॉड्यूलेटर किचन, सीलिंग, वॉलपेपर, लाइट्स, वुडन पैलिंग, दरवाजा और खिड़की, सेंट्रल लॉक वाले खिड़की दरवाजा संगे संगे इसकी कीमत लगभग 4,50,000 के लगभग है। मधुबन हाइट्स जो शहर के शोर शराबा से है बिल्कुल दूर।